जहाँ एक और भारत में वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें 20 देशों के तमाम उच्च पदों के नेता और मंत्रीगण शामिल हो रहे हैं। तो वहीं इस बड़े सम्मेलन से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी के वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर इंडोनेशियाई सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे थे। पीएम मोदी के आगमन से पहले ही जकार्ता भारत माता भगवद गीता के नारों से गूंज उठा। तो वही छोटे बच्चे भारतीय परिधानों को पहने हुए दिखे और जमकर नारे लगाए। पीएम मोदी ने वहां पहुंचे लोगों से हाथ मिलाया और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान प्रवासी भारतीयों से मिलने के बाद इंडोनेशिया में 20वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां दिए गए अपने भाषण में कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना उनके लिए एक सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि हमारी साझेदारी चौथे दशक में पहुंच गई है। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है, ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हालांकि इस इवेंट के तुरंत बाद पीएम मोदी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए वहां से रवाना हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।